नहीं पूछ सकता। फालतू बात मत करो ना, फालतू बात क्यों कर रहे हो, मत बात करो। सो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे एंड बहुत ज्यादा डिमांड के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग आज करेंगे प्रैंक करने वाले हैं। गलत बोला ना हमने, क्या बोला, सही तो बोला, हम गलत, हमने सच बोला, करने वाले हैं ऋषि पे प्रैंक, क्योंकि आप लोगों ने बहुत डिमांड की थी एंड अब वो करने जा रहे हैं। एनीवेज करने वाले थे यार, हमने काफी काफी सेटअप हमें इसकी जरूरत होगी, इसलिए हमने ऋषि देव को आधे घंटे बाद का टाइम दिया है एंड प्लस हमने सोचा हम ऐसे यू नो रैंडम कुछ डिसाइड करेंगे और उस पे टूट पड़ेंगे, राइट? ठीक है, तो हम ऐसा कुछ उनको बताएंगे कि हम ऐसा कुछ एयरपोर्ट चैलेंज करने वाले हैं एंड उस चैलेंज में उनकी बैंड बजाएंगे। एयरपोर्ट चैलेंज तो हम करने ही वाले हैं, उसको लगेगा कि हम पूरा सेटअप रेडी है, हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, हम चैलेंजेस देंगे एक दूसरे को और जैसे कि हमने मॉल चैलेंज किया था हम वैसे ही करेंगे। बट ट्विस्ट क्या होगा? ट्विस्ट ये होगा कि एक इंसान हमारे से हमारे साथ जुड़ा होगा जो हमारे लिए एक्टिंग करेगा एंड जिसको देख के ऋषि देव का पारा चढ़ेगा। मुझे लग रहा है वहाँ पे काफी भीड़ है लोगों की, मुझे वहाँ जाना चाहिए। गाइस, हम ऋषि देव को प्रैंक करेंगे आज, लेट्स गो। रैंडमली लोगों को इकट्ठा करने वाले हैं टू हेल्प अस। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। आपका नाम क्या है? सरफराज। क्या नाम है आपका? सरफराज। इनका नाम है सरफराज एंड इनको मैंने पटा लिया है हमारे ऋषि देव को प्रैंक करने के लिए। प्रैंक करने के लिए रेडी रेडी रेडी। अब ये करो, ये करो, रेडी, ये ए। तो चलो सरफराज, लेट्स गो। A few moments later. ऋषि, वो एक क्या बोलते हैं, बर्गर किंग करके है ना वहाँ पे आ जा, हम लोग वहाँ मिल लेंगे। ओके, चलो। Hey guys, welcome to Vimora Vlog. आज हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही स्पेशल प्लेस पे, मुंबई की जान कहा जाता है ये। मुझे आज तुम दोनों पे बहुत प्यार आ रहा है। मुझे भी, मुझे मुझे लग रहा है तुम दोनों को फ्लाइट पे बिठा के अमेरिका ले जाऊं अपने साथ। मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है। गाइस, मैं आप सबको बता दूं कि मोहिना की शादी होने वाली है। अरे शादी वादी छोड़ो, आज बताओ हम लोग करने क्या वाले हैं। किससे? मैंने बोला वैसे ट्रेंडिंग हो जाओगी तुम, तो आज किसी ने बताया। ऑलराइट गाइस, सो आज हम हैं एयरपोर्ट पे। ऑलराइट, और आज हम करने जा रहे हैं एयरपोर्ट चैलेंज। भिन्न भिन्न प्रकार के चैलेंजेस होने वाले हैं, जैसे आप लोगों ने हमें मॉल्स में देखा था उल्टी सीधी हरकतें करते हुए, आज हम वही चीजें करने वाले हैं इस एयरपोर्ट पे। So guys, हम एक दूसरे को चैलेंजेस देंगे एंड ये तीन तीन चैलेंजेस एक को कंप्लीट करने हैं। हर इंसान तीन तीन चैलेंजेस कंप्लीट नहीं, एक ही करते हैं और तीन एक ही करते हैं। हाँ, दो करते हैं, टाइम बचेगा। एक एक वन चैलेंज पर पर्सन और भारी भरकम चैलेंज रहेगा, एक चैलेंज ही भारी भरकम रहेगा। एक ही चैलेंज करते हैं, एक ही चैलेंज करेंगे, एक ही चैलेंज करेंगे और देखते हैं किसने ज्यादा अच्छे से किया। हाँ, कौन ये चैलेंज जीता। सो आर यू रेडी ऋषि? आई एम रेडी। आर यू रेडी गौरव? आई एम And I'm always ready, only let's go. So guys, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एयरपोर्ट चैलेंज। मैं बताऊं। Okay guys, मैंने सोचा यार, बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं। लेकिन पहली बार मैं बोल रही हूँ। चलो बोलो। लेडीज फर्स्ट यार, समटाइम्स लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। जाने दो, जाने दो, क्या क्या चैलेंज दूंगा। ठीक है, मोहिना में पढ़ेंगे। तूने ऑलरेडी सोच लिया है? नो, बट आई विल टेक सम टाइम। मैं दूंगा इनको चैलेंज यार, प्लीज। मेरे इनका पुराना नाता आज से नहीं, 50 साल पंजाब से चला रहा है। इसका रिवर्स है, इनका भी रिवर्स है, रिवर्स। सो मोहिना, ड्यूड ही इज कैरिंग मी, देयर इज वन मैन, वो बैठा है, आपको उसके पास जाना है एंड आपको बोलना है कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आपका बैग गुम चुका है, आपको उनसे 500 रुपए मांगने और लेके आने। बहुत सिंपल सा चैलेंज और बहुत स्मार्ट सा बंदा है अपना। 500 तो नहीं कोई देगा यार, 500 भाई लड़की की शक्ल है यार, अच्छा मिलना चाहिए। मैं तो अच्छा, ओके ओके, लिसन, व्हाट इफ वो 500 नहीं दे रहा है, व्हाट इफ कुछ भी, मिनिमम 200 तो लाओ, इतना तो चलता है, राइट? लाइक तो मिनिमम 200 सीरियसली कर लेगी तू? अरे तो लेट मी ट्राई, ब्लॉग के लिए नहीं, जर्नली। अरे करेंगी यार, सीरियसली करेंगी, मजा आएगा इसी में तो, मजा आएगा। और ये स्टार्ट लेवल अप, एक लेवल अप और जाने वाला है। आप मुझे इससे भी तगड़ा देना, मैं कर दूंगा। तुम सोचना मैं क्या दूंगी तुम्हें, तुम दोनों सोच रहे, मैं तुम दोनों को क्या देने वाला। फोन पे बात कर रहा है सिर्फ वो, के और किसी से भी पूछ नहीं, नहीं उसी से यार, टारगेट वही है, थोड़ी किसी से भी 200 लेके आने। ओके, वो मुझे जमा, ओके, बोल देना फोन है बट पैसे नहीं है और मैं बाहर से आई हूँ, बैग गुम गया, सिंपल, बैग गुम गया, बैग गुम गया, पकड़ जाएगी वो। ओके ओके बाय, चलो चलो, ओके बाय। ऑलराइट गाइस, सो मैं अब जा रही हूँ उस आदमी से, कितने रुपए मांगने? 500 ओके बाय।
भाई साहब मुझे एक्चुअली 500 रुपीज़ की ज़रूरत है, मुझे मेरा जो भी सामान वगैरह है ना वो सब खो गया है, आई जस्ट नीड 500 कैब के लिए। तो आज ही नज़ारा ज़ूम चैलेंज का मज़ा आएगा। मेरे पास जितना बनता उतना देता हूँ। अच्छा कितना? 500 मिल गए। ओके थैंक यू सो मच। वापस अरे आप हाथ क्यों पकड़ रहे हो मेरा? अरे तो हाथ क्यों पकड़ रहे हो? आप ऐसे छेड़ नहीं सकते, मैं पुलिस को बुला लूं। अरे बुला लो, नहीं पूछ सकता। फालतू बात मत करो, फालतू बात क्यों कर रहे हो? मत बात करो। बोल रहा हूँ ना। मैं इतना डर गई थी, मुझे लग रहा था आज तो ऋषि मार देगा, बिकॉज ये एक्टिंग में कम नहीं, ये भी अपने लगे पड़े। अरे मैं क्यों नहीं करूँ? अरे मैं नहीं करूँ? इस दुनिया में काफी लड़ाइयाँ की आपने। कैसा लगा आपको ये करके? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। तो मुझे लगा भाई जो प्रैंक किया। मैं सारी लड़कों को बोल दूं, अच्छे से लड़कियों से बात करो, कभी छेड़ना मत, ठीक है? वरना ऋषि आके मार देंगे। ऋषि प्लीज आ जाओ। गाइस हमने प्रैंक कर दिया ऋषि पे। एंडिंग तो कर दे, इधर आओ एंडिंग तो करनी है। एंड तो कर ले। प्लीज, ही इज स्टिल इन शॉक। कैसा लग रहा है आपको हमारा अत्याचार सह करके? याद रखूंगा और बहुत बड़ा प्रैंक करूंगा तुम पे। अब तीनों लोगों पे प्रैंक्स हो चुके हैं ना, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब देखते हैं अगली शुरुआत की। भाई दोनों की प्लानिंग है और 3 दिन से चल रही है, ये अभी तक खेल रहा है। मुझे पता था, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे ऐसी कौन सी चीज है जिससे ऋषि देव का दिमाग पारा चढ़ेगा। मेरे को इस दिमाग में नहीं आया कि साला तू क्यों नहीं भागा। सोचना चाहिए, मैं कैमरा पकड़ के पीछे खड़ा था। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा प्रैंक होगा इनपे। प्रैंक करके दिखाऊंगा गाइस, चैलेंज है, खुला चैलेंज। पब्लिकली इंसल्ट किया है मुझे। मैदान में आ जाओ, देखते हैं कौन क्या करता है। सब्सक्राइब का बटन आ गया है। तीनों यार, सारी लड़कियां तुझ पे मरने वाली है इसके बाद। सी यू नेक्स्ट टाइम। देखते हैं नेक्स्ट टाइम कौन किस पे प्रैंक करने की हिम्मत करता है। बाय बाय।